आदरणीय चौहान सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हुए सभी साधकों को प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ पंड्या नरहरि, नॉर्थ गुजरात लाखनी। मेरा मोबाइल नंबर है 9724304267। ऑडियो क्लिप्स नंबर 32। मित्रों, लगातार नई भोजन प्रथा के बारे में आगे बढ़ रहे हैं हम। करीब 4 दिन से 5 दिन से भोजन के बारे में बातें हो रही है। अलग अलग तरीके से ये नई भोजन प्रथा को हम अपना सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ और मस्त रख सकते हैं। मित्रों, हमने बताया लंघनम परम औषधम, उपवास से बढ़िया तो कोई इलाज है ही नहीं। तो इसका सीधा मतलब तो यह हुआ, खाना छोड़ दो। कब तक? जब तक शरीर में से रोग न हटे तब तक। ठीक है, इतना फास्टिंग नहीं कर सकते हैं तो दूसरा रास्ता बताया, एक आहार, एक ही आहार पे आ जाना है। इसमें भी फास्टिंग, संजीवनी क्रिया यानी एनिमा और ग्रीन जूस, ये तीन तो है ही, इसके बाद में सिर्फ एक ही आहार। ये भी नहीं हो सकता है तो अलग अलग जूस ले सकते हैं, जिसे रसाहार बोलेंगे। अलग अलग जूस, ये भी एक सिस्टम है। ओनली जूस पे सेटिस्फेक्शन, संतोष नहीं हो रहा है तो ये भी बताया, जूसी फ्रूट खा सकते हो। जूसी फ्रूट से संतोष नहीं हो सकता है तो आगे ये बताया, पल्पी फ्रूट खा सकते हो। इससे भाई संतोष नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो बोला ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो। मगर फिर भी मित्रों, दिमाग में से आज तक जो खाया है वो नहीं हटता है। व्यसन हो गई है, अनाज का व्यसन हो गया है। तो आगे यहां तक भी हमें छूट दी है हमारी ये नई भोजन प्रथा में कि चलो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स
पल्पी फ्रूट्स, सलाड, ये सब खाने से भी संतोष नहीं हो रहा है, तो यहां हमें स्प्राउट करके कठोल खाने के लिए बोला है। मूंग है, चना है, जो जो हम स्प्राउट करके खा सकते हैं वो खाने की भी हमें इजाजत दी है। क्योंकि लोगों को शरीर में कुछ वजन चाहिए, कुछ वजन चाहिए, पेट भरा है ऐसा लगना चाहिए। यहां तक छूट देने के बाद भी अभी भी कई लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। कई लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, बार बार एक ही बात पूछते हैं। ये कब तक करना है? न्यू डाइट सिस्टम कब तक करना है? या ऐसा खाना कब तक खाना है? ऐसा उन्हें लग रहा है मानो हम यहां से कोई दवाई खिला रहे हो, और वो भी कड़वी दवाई पिला रहे हो। ऐसा लग रहा है। हम एक ही जवाब देते हैं, आज तक हम जो खाना खाते आ रहे हैं, हमारे घर में एक्स वाई चीज जेड जो चीजें बनती हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, जिसके घर में जो बनता है, सालों से खाते आ रहे हैं, सदियों से खाते आ रहे हैं, पीढ़ियों से खाते आ रहे हैं, कभी किसी को आज तक हमने पूछा नहीं है कि ये खाना हमें कब तक खाना है। सुबह शाम दो टाइम रोटी घर में बनती है, कभी नहीं पूछा ये रोटी कब तक खाना है। कितने प्रेम से, कितने प्यार से, कितनी सहजता से हमने ये खाने को स्वीकार लिया है। हमारे दिलो दिमाग में ऐसा ही है कि यही हमारा खाना है, इसके सिवा खाए क्या, और हम खाते हैं, किसी को नहीं पूछते कब तक। मगर जैसे ही कोई न्यू डाइट सिस्टम में आता है, तुरंत तुरंत उनके सवाल खड़े हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में वैसे तो यहां से समझाया जाता है, जिनकी बॉडी में जैसा प्रॉब्लम होता है इसी तरह सिस्टम फॉलो करने के लिए बोलते हैं, समझाते हैं। और आपको लंबे समय तक ये नहीं करना है तो स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो कुछ दिनों तक, सिर्फ 3 महीने का तो ये सिस्टम है, 3 महीने तक तो कम से कम आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, एकाहार या रसाहार पे आ जाओ, 3 ही महीने निकालना है। और आज तक जो खाया है उसका परिणाम हमारे सामने है,
हम सब में से जिसको जो भी प्रॉब्लम है, इसकी वजह तो ये खाना है, हमारा गलत भोजन है, फिर भी न जाने क्यों उसकी ओर हमारा मन जाता है। समझ में आ गया है, अब पता चल गया है अब हमें कि मिल्क और मिल्क से बनी चीजें और पका हुआ भोजन ही रोगों का कारण है। बिल्कुल पता चल गया है, फिर भी हम वहां जाना चाहते हैं। क्यों? क्या समझाए, क्या बोले? ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, मगर जब तक आपको प्रॉब्लम है, बॉडी में सफाई नहीं होती है, शरीर में से जो रोग है वो दूर नहीं होते हैं, कम से कम तब तक तो ये सिस्टम फॉलो करो और देखो क्या परिणाम है। और फिर भी इतनी छूट दी है, ओनली उपवास नहीं कर सकते हो तो आप एकाहार करो, एक ही जूस। वो नहीं हो सकता है तो आप अलग अलग जूस पी के रसाहार करो। वो नहीं हो सकता है तो आप फ्रूट्स खाओ। वो नहीं हो सकता है तो सलाड खाओ। वो भी नहीं हो सकता है तो यहां स्प्राउट, कठोल खाने के लिए बोला है, चना मूंग ऐसे जो जो भी हम खा सकते हैं वो खाओ, स्प्राउट करके। उसमें ककड़ी है, हरी मिर्च है, टमाटर है, बीट है, लेमन जूस है, ये सब डाल के हम खा सकते हैं। बहुत बढ़िया भेल बनेगी, आराम से खा सकते हैं। फिर भी लोगों के सवाल आते हैं, सर आपने जो ये किताब बनाई है ना न्यू डाइट सिस्टम में, चूल्हा वगैरह रसोड़ू अपक्व आहार, उसमें तो एक टाइम खाने के लिए बोला है, शाम को पका हुआ भोजन लेने के लिए बोला है। देखो यहां तक हमने समझाया, कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले कि हमने किताब पढ़ी है, नहीं बताया, मगर इंतजार करते रहे कि खाने के लिए बोलते हैं क्या, पका हुआ भोजन लेने के लिए बोलते हैं क्या। नहीं बोलते हैं तब खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, ये किताब में तो लिखा है शाम को एक टाइम खाने के लिए। अरे भैया, पूरा सब कुछ आगे समझाया, वो तो आपकी समझ में नहीं आया। और इतनी ही बात याद रही आपको, किताब में लिखा है शाम को एक टाइम खाने का। सुनो तो सही आदरणीय चौहान सर क्या बोलते हैं, किताबें उनकी क्या बोलती है। हाँ? किसको एक टाइम खाने के लिए बोला है वो सब नहीं पता, वो सब नहीं याद रखना, मगर सिर्फ लोगों को खाना है। इतनी सरल आसान सिस्टम और इतनी छूटछाट दी है, फिर भी पके हुए भोजन से मन नहीं हटता है, खाना ही खाना है।
ठीक है, चलो खाना ही है तो यहाँ खाने के लिए भी चौहान सर ने छूट दी है, मगर किसके लिए? असाध्य बीमारियां हैं उनको तो नहीं खाना है, बिल्कुल। जब तक हम स्वस्थ मस्त निरोगी न रह पाए तब तक। जिनको नॉर्मल प्रॉब्लम है, सामान्य बीमारियां हैं, उनके लिए शाम को एक टाइम खाने के लिए बोला है। वो भी शाम को। कई लोग सवाल पूछते हैं, सर हम पूरी रात सोते हैं तो वो तो फास्टिंग ही हो जाता है ना। 8-9 बजे सो जाते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं, तो वो तो फास्टिंग नहीं हुआ, तो फिर सुबह में खा सकते हैं ना। या ऐसा पूछते हैं कि पका हुआ भोजन लंच में ले सकते हैं और बाद में फास्टिंग करें, तो पहले भोजन ले ले पका हुआ, वो भी 11-12 बजे, और उसके बाद में शाम को फास्टिंग करें। शाम को नहीं खाएंगे हम, ऐसा नहीं चलता है क्या? अब क्या जवाब दे ऐसे लोगों को? वही बोलना पड़ेगा, चलता है तो प्रयोग करो, देखो रिजल्ट मिलता है तो वो चलाओ। आपको रिजल्ट मिलता है ऐसा करने से ट्राई तो करो। हमारा तो मकसद है स्वस्थ रहना, रोगों में से दूर हटना, और वैसे भी आदरणीय चौहान सर भी बार बार हमें समझाते हैं, जब तक हमारे शरीर के डॉक्टर हम नहीं बनेंगे, तब तक चाहे कोई भी आपको कितना क्यों न समझाए, कितना क्यों न बताए, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। बॉडी का डॉक्टर हमें बनना पड़ेगा। बॉडी को क्या सूट होता है, क्या नहीं होता है, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, यह सब हमें तय करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रयोग करो, देखो सुबह में खाओ पका हुआ भोजन, बाद में फास्टिंग करो, बिल्कुल रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल। चाहे कितना भी प्रयोग करो, वही तो करते आ रहे थे, ऐसा तो हमें सिखाया गया था, बताया गया था। सुबह में राजा जैसा भोजन, दोपहर में व्यापारी जैसा भोजन, और शाम को भिखारी जैसा भोजन, यही तो बताया गया था, और यही तो लोग करते आ रहे थे। सुबह में उठते ही हाँ, घर में नाश्तों के डिब्बे खुलने लगते हैं, कितने तरह तरह के नाश्ते, और शाम को दूध और खिचड़ी, यही तो खा रहे थे हम, हल्का खुराक शाम को, तभी तो बीमार थे। अब यहां आदरणीय चौहान सर ने उल्टा कर दिया, सुबह में फास्टिंग, उपवास, भिखारी जैसा भोजन, दोपहर को व्यापारी जैसा, शाम को राजा जैसा। जिनको नॉर्मल प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए, या कोई प्रॉब्लम नहीं है और न्यू डाइट सिस्टम में जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए पका हुआ भोजन खाए बिना नहीं रह सकते हो,
तो हल्का सा भोजन लेने के लिए बोला है, पका हुआ भोजन हल्का सा, जिसमें जो दाल सब्जियां जो कुछ बनाते हो बनती है वो 70 से 80% सब्जियां ही लेना है, वो भी रस वाली, सूखी सब्जियां नहीं, रसादार। और रोटी 20 या 30% लेने के लिए बोला गया है। और ये छूट भी इसलिए दी गई है, बच्चे को समझाना है, जिद पकड़ के बैठा है, मुझे वो ही चाहिए वो ही चाहिए, इसके बिना कुछ भी नहीं, रो रहा है, सर पटक रहा है। राजहठ, स्त्रीहठ और बालहठ, ये 3 हठे ऐसी है, इसके सामने किसी की नहीं चलती। हाँ, राजा कोई ठान लेता है तो किसी का नहीं चलेगा, कोई बात उसके दिमाग में आ गई वो पूरी करके रखेगा। स्त्री हठ के बारे में माफ करना, ज्यादा नहीं बोलूंगा, कई हमारी बहनें, हाँ कई सवाल आ जाएंगे, हमारे बारे में क्यों ऐसा बोला, मगर स्त्रियों को भी पता है और सबको पता है, वो भी एक हठ ऐसी है, झुकना पड़ता है। बड़ी बड़ी मूछे वालों को भी झुकना पड़ता है। डर के झुकते हैं ऐसा नहीं है, हाँ डर के झुकते हैं ऐसा भी नहीं है, मगर ये हठ ऐसी है, समाधान करना पड़ता है, ऐसे बाल हठ ऐसी है, समाधान करना पड़ता है। तो इसी तरह यहां भी एनडीएस में हम समाधान कर रहे हैं, जिन लोगों को खाना है और सिस्टम में रहना है, सिस्टम में भी रहना है और खाना भी है, तो इन लोगों के ये छूट थोड़ी थोड़ी सी दे दी है। ये मत समझ लेना कि बहुत खुश होके एनडीएस में आप लोगों को खाने की छूट दी है, या ऐसा करने से आप रोग मुक्त होने वाले हैं, ये मत समझना। भारी हृदय से कहना पड़ता है यहां से कि ठीक है, नहीं रह सकते हो तो एक टाइम खाओ, रिजल्ट में प्रॉब्लम होने वाला है, रिजल्ट में गड़बड़ होने वाली है। ठीक है मित्रों, तो ऐसे तरीकों से हम ये सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। फिर से दोहराऊं, फास्टिंग, एकाहार, रसाहार, फ्रूट्स खा सकते हैं, सलाड खा सकते हैं, स्प्राउट खा सकते हैं, और अंत में एक टाइम पका हुआ भोजन खा के भी, जिन्हें कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है या नए नए जुड़े हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन लोगों के लिए ही शाम को एक टाइम पका हुआ भोजन खाने के लिए बोला है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से अब न्यू डाइट सिस्टम के बारे में काफी जानकारी हासिल की है, अब कुछ बाकी नहीं रह जाता है मेरे ख्याल से। फिर भी देखते हैं रोग के बारे में, रोग किसे कहते हैं, थोड़ी सी बातें करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियो क्लिप्स।
लोगों को भेजो, सुनो सुनाओ, सेवा का काम है। धन्यवाद। जय तंदुरुस्ती।